यार मैं, हाँ मैं यही पर हूँ, आइए चलिए सर. लेडीज एंड जेंटलमैन, आई रिक्वेस्ट यू ऑल फॉर अ फोटो अपॉर्चुनिटी. स्वीट, आई एम प्राउड टू रिलीज द फर्स्ट लुक. लॉट्स मोर ग्लोरी टू ऑल ऑफ यू. अभी क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, देयर विल बी सेपरेट पिक्चर्स विद द कास्ट एज वेल. रोशन, व्हाई यू सिटिंग देयर? कम हियर रोशन, कम रोशन मेरे भाई, कम अप. और आज रोशन, माय डायरेक्शन टीम, कम अप इमीडिएटली ऑल ऑफ यू ऑल. थैंक यू, वील डू द क्यू एंड ए. आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेक योर सीट्स. ओनली कास्ट इस Q&A के बाद दोस्तों का मजा आ गया. मैं आप सबसे ये सवाल जानना चाहता हूं कि मैसेज क्या है आपके लिए, आपकी तरफ से इस फिल्म का मैसेज आप पूछ रहे हैं? हाँ जी, मैसेज पब्लिक को क्या तो देना चाहते हैं? किसी को पर्टिकुलरली पूछना चाहेंगे? कोई भी सवाल देना, जवाब दे सकते हैं. आइए डायरेक्टर कैप्टन. एक और एक ही मैसेज है, प्यार बांटना है, बस यही एक मैसेज है. इसीलिए ये एक लव स्टोरी है और इससे ज़्यादा मैं और कुछ बोलना नहीं चाहूँगा. बाकी का तो आपने ट्रेलर में देख ही लिया है. जी, ये एक खूबसूरत लव स्टोरी है जो मैंने अपने अंदाज में बोलने की कोशिश की है. तो यही मैसेज है मेरा और मैं ये चाहता हूँ कि ये मैसेज सब तक पहुँचे कि डोंगरी सिर्फ उसके अंडरवर्ल्ड के लिए नहीं जानी जाती है, उसमें भी लव स्टोरियाँ होती है. मेंबर ऑफ द प्रेस, आई लाइक टू आस्क रोनित रॉय, यू आर प्लेइंग द टाइटल रोल ऑफ दिस मूवी एंड आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. तो हाउ डिड यू गो इनटू द स्किन ऑफ योर कैरेक्टर रोनित रॉय? हाँ सर, हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ आपका. लास्ट हाँ, अरे सर, हाउ आर यू? हाउ डिड यू गो इनटू द स्किन ऑफ योर कैरेक्टर? द रीजन आई लाफ्ड एट योर क्वेश्चन, प्लीज डोंट माइंड, बट दैट्स बीन अ जोक बिटवीन हादी एंड मी, कि हम लोग सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि डोंगरी का राजा पिक्चर का टाइटल है, लेकिन असली राजा कौन है इसमें बताओ. तो ये तो सर, यू विल हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ दैट विच कैरेक्टर यू फील इज द राजा ऑफ डोंगरी. जहाँ तक आपके प्रश्न का उत्तर है, तो मैं यही कहूँगा कि जो उत्तरदायित्व था मुझ पर, उसका आधा जिम्मा तो सलीम साहब ने ले लिया था लिख कर, और बाकी आधा इन्होंने, हादी साहब ने ले लिया था अपने कंधों पर. मैं जब इस शूटिंग पे आया फर्स्ट डे, तो हादी और सलीम साहब के साथ हम बैठे, तो फ्रॉम देन ऑनवर्ड इट बिकेम अ वेरी इजी जर्नी फॉर मी. आई डिड नॉट थिंक, आई ओनली फेल्ट इनसाइड मी हाउ I was supposed to feel. और जहाँ मुझे मेरे मन में कोई आशंका थी या कोई प्रश्न था, तो वो हादी ने दूर कर दी. तो इतना सोचा नहीं मैंने कि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो कैसे निभाऊँ. जैसे कि मैंने हादी को जब स्टेज पे बुलाया, तो आई वेरी ट्रूली मेंट व्हाट आई सेड, कि मेरी शूटिंग कब शुरू हुई और कब शेष हुई, कब ख़त्म हुई, वो पता ही नहीं चला कब इतना सारा काम हादी ने निकाल दिया. इट्स बीन एन एक्सट्रीमली प्लेजरेबल एक्सपीरियंस फॉर मी shooting this film is Hadi. Thank you so much, sir, for your question. Next question, please. You can put your hand. My question is to Hadi, sir. Dongri Ta Raja film made, Kashmir Badani is the hero. Still, you didn't think of making it as a bilingual in Hindi and Marathi? I wanted to stick to Hindi. And that was the idea, sole purpose. I have produced Marathi films myself, but yes, this was the film that was meant to be made in Hindi, because I knew that the scale that I can achieve in Hindi, I would not be able to do it anywhere else, and that is the reason why it was only in Hindi. So I think I've answered your question. And is it going to be a very action-packed film with lot of effort, accent on violence? I would say it's a 70-30. 70 is at the love story and 30% is the action of the film.
And just one more question. What made you zero in on a good actor like Kashmir and also Ronit in the pivotal role? Sir, your question is my answer. When you said good, it makes it all happen. So they are good actors. So I didn't have a second thought at all. Yes, sir. And that is the reason why they are here. Sir, my question is to you. Given the fact that it is set in reality, we are hoping to see a lot of hard-hitting dialogues. Do you anticipate any trouble from the censor board, given the fact that they have been going very tough on movies like this? I don't think that should be a matter of concern at all for me, because we have not derogatorily done anything like that. I mean, if you feel that way, I think that only says that it is reaching to the audience and it is making a mark. But beyond that, we are not implying to anybody that we are trying to make a statement or anything. It is a part of our film and it is going to stay like that. Richard ji, ek sawal aapke liye bhi. सोनू जी आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? ऋचा जी बहुत खूबसूरत लग रही हैं, राइट? नहीं, वही बताना चाहता था मैं उनको. यार आप बता दें, मुझे मालूम है कि आपका माइंड कैसे थिंक कर रहा है. आपके आपसे ट्रेनिंग लिया था सर इसमें. ऋचा जी, यू लुक वेरी ब्यूटीफुल. हैज एनीवन एवर टोल्ड यू दैट यू लुक क्वाइट सिमिलर टू रानी मुखर्जी व्हेन यू स्माइल? यस, मेनी पीपल. सोनू, स्टॉप फ्लर्टिंग विद हर. ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? आदि, या अच्छा, डोंगरी का अपना एक कल्चर है, अपनी एक फ्लेवर है, तो उस फ्लेवर को इस फिल्म में दर्शाने के लिए क्या कुछ होमवर्क करना पड़ा था आपको? मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे जो राइटर साहब हैं एम सलीम, उन्होंने इतनी खूबसूरती से उसको पिरोया है अपने स्क्रीन प्ले में, अपने डायलॉग्स में. मैं सिर्फ वही फॉलो करता गया और सलीम साहब ने बहुत उमदा तरीके से इसको स्क्रिप्ट के माध्यम में मुझे पेश करके दिया और मैंने सिर्फ और सिर्फ विजुअली इसको एनहांस किया है. यस, और ये डोंगरी में शूट हुई हुई फिल्म है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो रियल डोंगरी में शूट की गई फिल्म है. सो आपको डोंगरी हर तरह से दिखाई देगी इसमें. थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन सर. रोनित सर, द क्वेश्चन फॉर यू सर. यस सर, राकेश जी. सर, सर आई नो यू फ्रॉम बंदरी सिंस आई एम इन दिस इंडस्ट्री. सो बंदरी से लेकर अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइक इसमें आपने एक विलेन नेगेटिव कैरेक्टर किया है, और कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका बंदरी से लेकर यहाँ तक? मैं बंदरी से. बंदरी 2010-2006 साल की बात कर रहे हैं सर. मैं 6 साल से ही हूँ. मुझे इंडस्ट्री में 26 साल हो गए. नहीं, मैं अपनी बात किया. मैं आपको नंबर दूंगा मेरा, पता है. आप मेरे पास आइए, मैं आके ग्रीट किया आपको पहले, और चाय पीजिए मेरे साथ, और मैं आपको 26 साल की पूरी एक्सपीरियंस बताऊंगा. ये मूवी में विलेन का कैरेक्टर किया, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? सॉरी सर, ये मूवी का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही एक चलिए सीरियसली मैं उत्तर दे देता हूँ इस प्रश्न का. थोड़ा फर्स्ट डे पे थोड़ा मुश्किल हुआ, क्योंकि हादी कुछ चाह रहा था. मैं कुछ सोचे बिना वहाँ गया था. सलीम साहब ने कुछ लिखा था, लेकिन शूटिंग शुरू करने से पहले हादी सर, सलीम सर, हम लोग सब मेरे वैन में बैठे और कुछ एक डेढ़ घंटे हमारी मीटिंग चली, और उसके पहले भी हम मिले थे. तो मैंने सोचा कि मैं इस फिल्म में क्या करना है, मैं करके दिखाऊंगा हादी को, और फिर हादी अपना डिसीजन लेगा कि आगे क्या करना है. एंड When he saw what I did, he loved it. मैंने बोला मेरा डायरेक्टर खुश है, तो मैं भी खुश हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोग देखेंगे, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, आप लोग भी खुश होंगे, और 26 साल का फिर कल चाय पे. सर जी, दिस इज इन अ क्वेश्चन फिल्म, और अपार्ट फ्रॉम दिस, वंस यू आर डन विद दिस क्वेश्चन, देन आई'ल आस्क यू अनदर वन. लेट मी कंटिन्यू विद अनदर वन. ओके सर, आई'ल टेल यू व्हाट वाज स्पेशल अबाउट मी डूइंग दिस फिल्म. Avi, can you stand up wherever you are? Avi is here somewhere, and Avi brought the film to me. I didn't know whether I wanted to do it. I didn't want to do it. So I asked him. I said, Avi, क्या है मतलब? तो मैंने बोला मैं सोच के बताता हूँ. फिर Avi भाग गया, उसका फोन नहीं आया. फिर Avi का फोन आया कि what happened? He was going to call me back. I said, yeah, sorry, I forgot. तो
that's the time I asked Avi. I said, Avi, क्या है problem, क्या है, why me? And I don't know if you know this or not, Hadi. He told me, he said, the director is saying that he wants only you in this role. So I'll once again reiterate what I said earlier, is the reason I have done this film and the reason I do most films is because the director has his conviction in me to do the role. So it is ek author backed, suna hoga aapne, author backed role. So when the director is backing you with his confidence in you, it's there is no denying the role. One should do it. So that's I hope that answers your question.